भाई BGMI में वेनम कैसे मिलेगा? वेनम लोग कैसे ले रहे हैं? मैंने बहुत ट्राई किया बट नहीं दिखा। प्लीज BGMI में वेनम कैसे मिलेगी बता दो फास्ट। यार कहीं पे भी नहीं मिलता, सिम्बियोट BGMI में नहीं होती। अब ऐसे अजीबोगरीब कमेंट्स देख के मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। देखो BGMI का जो इवेंट है वो थोड़ा सा तो पबजी मोबाइल से अलग है, बट जो वेनम वाला सिम्बियोट है ये दोनों ही गेम में होता है। अब इतने ज्यादा लोग कंफ्यूज है तो बताना तो पड़ेगा। देखो अगर आप पबजी मोबाइल खेल रहे हो और किसी भी एक वेनम वाले लोकेशन पे लैंड करते हो, पबजी मोबाइल के अंदर वहाँ पर एक क्रेट होता है और जैसे आप उस क्रेट को ओपन करते हो आपको ब्लैक सिम्बियोट आर्म देखने को मिल जाता है। लेकिन देखो BGMI का केस बिल्कुल अपोजिट है। अगर आप BGMI के अंदर सेम मैप में सेम लोकेशन पे आप लैंड करते हो तो यहाँ हमें किसी भी तरह का कोई सा भी क्रेट देखने को नहीं मिलता है। अब यही चीज बहुत से लोगों को कंफ्यूज करता है क्योंकि उन्होंने पहले पबजी मोबाइल का देख रखा है। तो देखो BGMI के अंदर कैसे मिलेगा, जहाँ पर आप लैंड करते हो ना वहाँ पर देखना एक वेनम वाला हॉर्स होता है। आपको सिंपली उस हॉर्स के पास जाना है और देखना एक रिट्रीव का बटन दिखता है, सिंपली उसे प्रेस कर देना। देखो ये हॉर्स तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा बट इसका जो वेनम वाला एबिलिटी है वो आपके पास आ जाएगा, यानी कि ब्लैक सिम्बियोट आर्म आप उसे अपने बैकपैक में जाके पैन वाले सेक्शन में चेक कर सकते हो। और देखो इसका जो यूजेस है वो आपको अच्छे से पता है, इसमें दो ही बटन हमें देखने को मिलते हैं जिसे मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से कैसे आपको यूज करना है। अब देखो इसका जो लोकेशन है ना ये लिथिक के मैप में मिडस्टिन के रिकॉल टावर के पास होता है और ये केवल एक ही लोकेशन पे, यानी कि अगर आप BGMI खेल रहे हो तो केवल एक ही बंदे को वेनम की एबिलिटी मिल सकती है। लेकिन वही पबजी मोबाइल के लिविक में आपको दो एबिलिटी मिल जाती है, एक आपके हॉर्स से और दूसरा आपका क्रेट से। इसके बाद हम इरेंगल को ट्राई कर रहे थे और एक भाई ने कमेंट करके बताया था कि पोचिंकी के अड के तीन घरों के पास होता है, तो वहां पर हम लैंड तो कर गए थे बट देखो एक बंदा भी यहीं पर उतर गया था। तो हाँ यार इस लोकेशन पे एक वेनम की एबिलिटी होती है, मतलब दो एबिलिटी होती है, एक आपका हॉर्स से और दूसरा क्रेट से। और थोड़ा ध्यान से क्योंकि बंदे भी काफी उतरते हैं, सभी को एबिलिटी चाहिए। और एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस वेनम वाले हॉर्स का, आप इसको रिफ्यूलिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉर्मल हॉर्स की तरफ फीड नहीं करता है और ना ही ओपन में ये चरता है। बट उसका भी एक सीक्रेट तरीका है, थोड़ा ध्यान से देखो। ये मेरा वेनम वाला हॉर्स है जिसका की आप नीचे में फ्यूल देख सकते हो, ये आधा खत्म हो चुका है और अगर ये डैमेज भी हो चुका है तो भी आप इसे रिपेयर कर सकते हो। सबसे पहले आप इस हॉर्स से उतर जाना और देखो जब भी आप इसके नजदीक आते हो तो एक रिट्रिप का बटन आता है, सिंपली आप उसको प्रेस देना। अब ये आपका नॉर्मल हॉर्स बन चुका है। अब अगर ये ओपन में है तो ये चर के भी अपने हेल्थ को बढ़ा सकता है और अपने रिफ्यूलिंग भी कर सकता है या फिर आप इस पे बैठ के फीडिंग करा सकते हो। और एक बार इसका जो हेल्थ वगैरह फुल हो गया ना उसके बाद आप वापस से इसे पोजेस कर सकते हो और वेनम हॉर्स बना सकते हो। ये एक इकलौता तरीका है जिससे आप इसका रिफ्यूलिंग भी कर सकते हो और इसका डैमेज को रिपेयर भी कर सकते हो। अब अगले लोकेशन पे जाने से पहले मैं आपको कुछ टेलीग्राम बॉट्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो आपको इंस्टेंटली UPI कैश देती है। इसका यूज करके अपने जरूरत को चीजों को ले सकते हो या फिर आप गेम के अंदर UC भी ले सकते हो और ये आपको डेली बोनस से लेके हर एक चीज इंस्टेंटली प्रोवाइड करती है सेकंड्स में। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर विड्रॉ लगाया और देखो एक मिनट से भी कम टाइम के अंदर ये मेरे UPI में क्रेडिट हो जाता है। तो इसका लिंक आपको हमारे टेलीग्राम के पिन मैसेज में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च करना @StrangeTube, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और ज्वाइन हो जाना। अब देखो जो अगला लोकेशन है, एक भाई ने पूरा मैप को ही मार्क कर दिया था। ये लोकेशन देखो जॉर्जो पुल के सामने वाले नदी के उस पर जो गैरेज और कुछ घर होते हैं ये लोकेशन बिल्कुल वहां का है और वहां पर भी आपको एक हॉर्स और एक क्रेट मिल जाएगा पबजी मोबाइल के अंदर और BGMI के अंदर आपको एक हॉर्स देखने को मिलेगा। और जो अगला और आखिरी लोकेशन है ना इरेंगल के मैप में उसके लिए आपको यासनाय के पास जाना पड़ेगा। यासनाय आने से पहले कुछ छोटे छोटे घर होते हैं, ये लोकेशन बिल्कुल वहां पर है और अगर आप किसी गलत लोकेशन पर भी उतर जाते हो ना तो देखो अगर आप जमीन पर हो तो 400 मीटर के रेंज में अगर वो लोकेशन है तो वो आपको मैप में भी दिख जाएगा और आपके सामने भी दिखेगा। वही अगर आप पैराशूट पे हो प्लेन से लैंड कर रहे हो तो आपको 1500 मीटर दूर से ये दिखाई दे जाएगा। लिविक का थोड़ा उल्टा है, लिविक में अगर आप प्लेन पे हो तो आप 800 मीटर के रेंज में हो तभी आप उस लोकेशन को देख सकते हो, लेकिन अगर आप जमीन पे हो तो बिल्कुल सेम ही है 400 मीटर का डिस्टेंस। तो इरेंगल के मैच में टोटल 3 सिम्बियोट मिलते हैं अगर आप BGMI खेल रहे हो, पबजी मोबाइल में आपको 6 मिलेंगे, वही लिविक के मैच में आपको 1 मिलेगा अगर आप BGMI खेल रहे हो और पबजी मोबाइल में ये 2 मिलते हैं। अब आप कमेंट करके बताना ये सारे चीज आपको पहले से पता था या नहीं। और ऐसी और वीडियोस के लिए आप नीचे सब्सक्राइब का बटन है ना उसे दबा के ज्वाइन भी हो सकते हो। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
But they hate when you're successful because you try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle.